बैक टू माई चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूँ स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 9 लेबर वेलफेयर। सो हम बात करेंगे लेबर वेलफेयर की, और इसमें से सारे टॉपिक्स हम करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। सो अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, यूनिट 1 to 8 मैंने कंप्लीट कराया हुआ है अपने इस चैनल पर। अगर आपने उन सेशन को नहीं देखा है, उन वीडियोज को नहीं देखा है, तो प्लीज़ गो थ्रू माई चैनल एंड वॉच दोज वीडियोज। दे आर बिकॉज दे आर गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव्स। एंड उसके साथ साथ थ्योरी के साथ साथ मैंने MCQs एंड PYQs भी कराया है। अगर आपने उन सेशन को भी नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू एंड वॉच ऑल दोज सेशन एंड वीडियोज, राइट? क्योंकि एग्जाम के परस्पेक्टिव से अगर आप थ्योरी पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो MCQs एंड PYQs उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो MCQs एंड PYQs आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको एग्जाम में जाकर क्वेश्चन को ही सॉल्व करना होता है। आपको पता चलना चाहिए कि क्या एग्जाम में क्वेश्चन का क्या पैटर्न होता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने हार्ड एंड कितने इजी क्वेश्चन आते हैं उसमें। सो अगर आपने एक बार भी अपियर किया होगा UGC नेट के एग्जाम में, तो आपने देखा होगा कि क्या लेवल है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और डेप्थ में क्वेश्चन होते हैं। डेप्थ इन द सेंस कि क्वेश्चन आपके पास जो ऑप्शन आते हैं क्वेश्चन के, चारों ऑप्शन आपको लगे कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट लग रहे हैं, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट बिल्कुल नियरेस्ट आंसर चूज करना होता है उसमें, राइट? सो इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट, आपकी थ्योरी पार्ट, आपके जो कहते हैं ना कॉन्सेप्चुअल स्टडी किया है, सो कॉन्सेप्चुअली अगर आप पढ़ते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, प्रिपेयर कर रहे हैं वनडे एग्जाम के लिए, तो जब तक आपका बेस मजबूत नहीं है, आपका थ्योरी पार्ट मजबूत नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तब तक आप MCQs हो या PYQs हो, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो MCQs एंड PYQs को सॉल्व करने के लिए आपका थ्योरी पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि थ्योरी से ही तो क्वेश्चन बनते हैं, राइट? तो सारी कहानी थ्योरी में ही होती है और कहानी के ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं, राइट? तो दोनों ही हम साथ साथ लेकर के चलते हैं और चलते रहेंगे आगे। सो आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेंट्स, क्या क्या कॉन्टेंट्स पढ़ने हैं आपको यूनिट 9 के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे लेबर वेलफेयर की, उसके बाद इसकी मीनिंग क्या है, क्या मतलब क्या है लेबर वेलफेयर से, क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर लेबर वेलफेयर का, इसका डेफिनेशन देखेंगे और स्कोप क्या है इसका, राइट? लेबर वेलफेयर का सोशल सिक्योरिटी के बारे में भी हम जानेंगे। सो ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। वैसे तो सारी ही यूनिट एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार का जो पैटर्न था एग्जाम का, आप ये नहीं कह सकते थे कि पहले होता था कि नहीं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी क्या है कि सारे यूनिट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी यूनिट से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और कितने डेफ में, इवन तो आप तो डेफ में क्वेश्चन पूछने लगा है यूनिट से। सो आपके लिए सारे जो टोटल 10 यूनिट्स हैं, यूनिट 1 to 10, सारे ही आपको अच्छे से पढ़ना है, उनको समझना है, राइट? सो यूनिट 1 to 8 तो मेरा कंप्लीट मैंने करा दिया है इस चैनल पे। अगर मैं उसको अगेन रिविजन करूंगी, क्योंकि अभी काफी टाइम है, जिनका एग्जाम आपने देखा कि एग्जाम अनप्रिडिक्टेबल था जैसा कि हमेशा एग्जाम होता है कि HRM का मोस्टली सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट में आता है, लेकिन पहले दूसरे फर्स्ट शिफ्ट में ही जो फर्स्ट शेड्यूल था 3 दिन का, उसमें ही ये क्वेश्चन कोड 55 का एग्जाम हो गया, राइट? जबकि एक्सपेक्टेशन कुछ और थी। सो एग्जाम होने के बाद सबको पता चला कि क्या लेवल रहा है, कितनी तैयारी थी, कहाँ पर लैक किया है, कहाँ पर कमी रह गई है, उन सब चीज़ों को आपने देखा होगा। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अगले सेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए तैयारी करेंगे। पहला हम टॉपिक देखते हैं, मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप। लेबर वेलफेयर की मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, एंड स्कोप के बारे में भी बात करेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी पार्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर एम्प्लॉय वेलफेयर, क्या कॉन्सेप्ट है लेबर वेलफेयर एंड एम्प्लॉय वेलफेयर का। द कमिटी ऑन लेबर वेलफेयर 1969 डिफाइंड लेबर वेलफेयर टू इंक्लूड सच सर्विसेज, facilities and amenities as etiquette, canteens, rest and recreational facilities, sanitary and medical facilities, arrangements for travel to and from work and for the accommodation of workers employed at a distance from their homes and such other services, amenities and facilities including social security measures as contribute to improve the conditions under which workers are employed, right? So, इसकी मीनिंग ये है, मीनिंग आपने देखा होगा थ्योरी, जैसे हमने लाइन वाइज पढ़ा है यहाँ पर।
सो यहाँ पर मेन जो मकसद है लेबर वेलफेयर का वहाँ क्या है, दैट इज कि टू टू प्रोवाइड दी फैसिलिटीज। फैसिलिटीज में क्या होना चाहिए कि जो एक नॉर्मल अमेनिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए इम्प्लॉयर के द्वारा इम्प्लॉयज को, कि एक उनके उनके लाइक अगर कोई भी वर्कर कहीं पे काम करता है तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ पे यूरिनल की फैसिलिटीज हो, वाटर की फैसिलिटी हो, कैंटीन्स हो, रेस्ट रूम्स हो, सैनिटरी फैसिलिटीज हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, लाइक ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि इम्प्लॉय की। तो ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है इम्प्लॉयर की, नहीं कर रहा है, इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो द बेसिक कॉन्सेप्ट हियर इज टू फैसिलिटेट द जनरल जनरल एमिनिटीज टू द इम्प्लॉयज, एडिकेट कैंटीन्स, रेस्ट एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, सैनिटरी एंड मेडिकल फैसिलिटीज, अरेंजमेंट फॉर ट्रेवल टू एंड फ्रॉम वर्क एंड फॉर एकोमोडेशन ऑफ वर्कर्स इम्प्लॉयड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम देयर होम्स एंड सच अदर सर्विसेज। लाइक अगर पर्सन अपने घर से दूर कहीं जॉब कर रहा है या फिर दूर से कहीं आया है यहाँ पे जॉब करने के लिए किसी स्पेसिफिक सिटी के अंदर, तो क्या एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है कंपनी। तो इन सब ये सारी चीज़ों का, क्योंकि जो ये कहते हैं ना कि ये सोशल सिक्योरिटी होती है राइट, एक तरह की आप कह सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही है, इन सब पे फोकस करता है कौन, सोशल लेबर वेलफेयर। और वर्कर्स की कंडीशंस क्या है, इनके वर्किंग कंडीशन पे खास ख्याल रखा जाता है, उस पर खास एक कहते हैं कि फोकस रहता है कि उनकी जो वर्किंग कंडीशन है इम्प्लॉयज की, वर्कर्स की, वो कैसी है, ठीक है या नहीं है। आगे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1931, रॉयल कमीशन ऑन लेबर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, लेबर वेलफेयर इज अ टर्म विच मस्ट नेसेसरली बी इलास्टिक बियरिंग अ समवॉट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सोशल कस्टम द डिग्री फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एडुकेशनल लेवल ऑफ द वर्कर्स। सो क्या कहते हैं रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1931 के तहत, क्या कह रहे हैं, लेबर वेलफेयर इज अ टर्म विच मस्ट नेसेसरली बी इलास्टिक बियरिंग अ सम वॉट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जो लेबर वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है वो डिफर करता है वन कंट्री टू अनदर कंट्री। किसी कंट्री में कुछ कॉन्सेप्ट होगा, किसी कंट्री में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होगा, मतलब तरीके अलग होंगे लेकिन कुल मिला जुला करके बात करेंगे लेबर वेलफेयर की ही, राइट। सो हर एक कंट्री का अलग अलग तरीका होता है, किस किस नजरिया अलग होता है देखने का, लेकिन जो चीज होती है लास्ट में जो आउटपुट निकल के आता है वो सेम ही होता है कि लेबर वेलफेयर की बात कर रहे हैं। लेकिन जो उनकी इंटरप्रिटेशन होता है लेबर वेलफेयर का, जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिफर करता है कंट्री टू कंट्री। सेकेंड लाइन देखेंगे, थर्ड लाइन यू कैन से, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सोशल कस्टम्स द डिग्री फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एडुकेशनल लेवल ऑफ द वर्कर्स। सो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, डिफर करता है लेबर वेलफेयर का टर्म, एंड डिफर करता है एज पर द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एडुकेशनल लेवल ऑफ द वर्कर्स। वर्कर्स का जो एजुकेशन लेवल है वो क्या है, उसके बेसिस पे भी टर्म्स डिसाइड किए गए हैं, क्या फैसिलिटीज दी जानी चाहिए इनको, किस तरह का इनका जॉब है, किस तरह की इनकी प्रोफाइल है, किस तरह का काम है, किस तरह से लाइक सपोज कोई होता है, कोई कुछ वर्कर्स ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं जो कि बहुत हजारडुअस इन नेचर होता है, उसके लिए बहुत रिस्की होता है, उनकी जान पे आ जाती है बात, राइट। तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज, क्या नियम है, क्या इंडस्ट्री के नॉर्म्स टर्म्स हैं, नॉर्म्स क्या है, फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या पॉलिसीज हैं उनके लिए, इन सब की बात करता है। और ये सारी चीजें डिफर करती हैं कंट्री टू कंट्री। रिपोर्ट सेकेंड ऑफ द आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। रिपोर्ट टू के अंदर देखेंगे, रिपोर्ट टू ऑफ द आईएलओ एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस 1947 के तहत क्या कह रहे हैं, डिफाइंड लेबर वेलफेयर एज अ टर्म विच इज अंडरस्टूड टू इंक्लूड सच सर्विसेज फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज एज मे बी established in or outside the vicinity of undertaking to enable the persons employed in them to perform their work in healthy congenial surroundings and to provide them with amenities conducive to good health and high morale. So kya purpose tha, defined report 2 ke according the ILO of the ILO एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस 1947 के तहत देखेंगे, डिफाइंड लेबर वेलफेयर एज अ टर्म विच इज अंडरस्टूड टू इंक्लूड सच सर्विसेज, मतलब क्या टर्म्स है, क्या सर्विसेज इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंक्लूड सच सर्विसेज
फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज एज मे बी इस्टेब्लिश इन और आउटसाइड द विसिनिटी ऑफ अंडरटेकिंग टू इनेबल द पर्सन इम्प्लॉयड इन देम टू परफॉर्म देयर वर्क इन हेल्दी. मतलब कोई भी वर्कर कहीं भी काम कर रहा है, कोई भी इम्प्लॉय कहीं भी काम कर रहा है, तो उसको किस टाइप का इन्वायरमेंट चाहिए? उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए जहां पर वो काम करे, राइट. कॉन्जेनियल सराउंडिंग्स एंड टू प्रोवाइड देम विद अमेनिटीज कंड्यूसिव टू गुड हेल्थ एंड हाई मोरल. कंड्यूसिव मतलब सहायक हो, ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ऐसी हेल्दी एटमोसफियर प्रोवाइड करना, सराउंडिंग प्रोवाइड करना जिससे कि वो हेल्दी एनवायरमेंट में रहकर के काम करे, जिससे कि उसका मोराल भी हाई हो, राइट. तो दिस इज द मेन मोटो ऑफ द यू नो लेबर वेलफेयर की जो का जो कॉन्सेप्ट है थ्रू द डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स एंड टर्म्स. आपने देखा पहले हमने अकॉर्डिंग टू रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1931 के अकॉर्डिंग देखा, वहीं पर देखा हमने रिपोर्ट 2 ऑफ द ILO एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस 1947 के तहत हमने देखा कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं. क्योंकि बात मैंने कहा ना कि बात वही होती है, कुल मिला के बात हो रही है लेबर वेलफेयर की, लेकिन टर्म्स थोड़े अलग देखने को मिलेंगे, तरीके अलग मिलेंगे दोनों के. कहते हैं कि हर एक जो सपोज आप किसी ग्रुप में 5 पर्सन है, 5 पीपल है, उनके जो थॉट जो प्रोसेस होता है, थॉट प्रोसेस अलग अलग मिलेगा, लेकिन बात क्योंकि टीम एज अ टीम वो काम करने जा रहे हैं, अपने टीम के वेलफेयर की बात करेंगे, टीम को का जो गोल है का जो टारगेट है उसको अचीव करने की बात करेंगे, लेकिन उनका जो थॉट प्रोसेस होता है अलग अलग आइडियाज निकल के आते हैं अलग अलग तरीके से, राइट. सो वो होता है कि अलग अलग टर्म्स होते हैं, जैसे कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, बट कुल मिला करके बात एक ही है कि लेबर वेलफेयर की बात हो रही है यहाँ पर. बेसिक फीचर्स ऑफ वेलफेयर, क्या बेसिक फीचर्स हैं लेबर वेलफेयर के, देखेंगे. द बेसिक फीचर्स ऑफ वेलफेयर मेजर्स आर एज फॉलोज, क्या है. पहला, लेबर वेलफेयर इंक्लूड्स वेरियस फैसिलिटीज सर्विसेज एंड अमेनिटीज प्रोवाइडेड टू वर्कर्स फॉर इम्प्रूविंग देयर हेल्थ एफिशियंसी इकोनॉमिक बेटरमेंट एंड सोशल स्टेटस. सो लेबर वेलफेयर को, लेबर वेलफेयर के अंदर जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है वर्कर्स को, इम्प्लॉयज को, उसके पीछे मोटो क्या होता है, उसके पीछे क्या मकसद होता है. उसके पीछे मकसद ये होता है कि जो वर्कर्स की जो को मोराल को हाई किया जाए, जो उनकी यू नो कैपेसिटी है, जो उनकी एफिशिएंसी है, जो उनकी क्षमता है काम करने की, उनको बढ़ाया जाए, उनको हेल्दी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने से, वो क्योंकि वो फिजिकली अगर फिट रहेंगे तभी वो काम पे एक रूटीन पे यू नो लग पाएंगे, डेली बेसिस पे काम कर पाएंगे. अगर पर्सन हेल्दी नहीं है तो बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ेगा तो वो रूटीन उसका कैसे बन पाएगा, वो डेली ऑफिस भी नहीं आ पाएगा, या फिर अपनी फैक्ट्री में या फिर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है तो कैसे जा पाएगा, राइट. सो उसी इंप्लॉयर का इनडायरेक्टली नुकसान होता है. ज्यादा एब्सेंटिज्म से क्या होगा, एब्सेंटिज्म अगर ज्यादा है, इंप्लॉयज का इंप्लॉयज मोस्ट ऑफ द टाइम एब्सेंट है, नहीं आता है वर्क प्लेस पे, तो उससे नुकसान किसका होता है, इंप्लॉयज का तो होता है क्योंकि उसको सैलरी डिडक्ट होके मिलेगी, इकोनॉमिक वाइज वो सफर करेगा, प्लस ऑर्गेनाइजेशन जो इंप्लॉयर है वो भी सफर करेगा, क्योंकि उसको आउटपुट जो उसका टारगेट है कि मुझे मेरी इंडस्ट्री का इतना आउटपुट होना चाहिए, तो आउटपुट कहाँ से निकल के आता है, जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स हैं वही तो आउटपुट देंगे, अगर वो काम नहीं करेंगे तो आउटपुट कैसे निकल के आएगा, तो दोनों का ही नुकसान होता है. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हेल्दी एटमॉस्फेयर, हेल्दी फैसिलिटीज सर्विसेज गुड अमेनिटीज प्रोवाइड करने का जो मेन मोटो होता है एम्प्लॉयर का, उसमें एम्प्लॉयर के साथ साथ एम्प्लॉयज का भी फायदा होता है, और एम्प्लॉयज के साथ एम्प्लॉयर का फायदा होता है, वाइस वर्सा, राइट. सो दोनों के लिए हेल्दी कहते हैं कि ये एक जो ये पॉलिसी है दोनों के लिए बेनिफिशियल होती है, दोनों के लिए हेल्दी होता है. तो मेनली लेबर वेलफेयर की जब बात करते हैं तो मोटो क्या होता है एम्प्लॉयर का, दैट इज टू प्रोवाइड गुड एनवायरनमेंट, हेल्दी एटमॉस्फेयर, उनके एफिशिएंसी को बढ़ाएं, उनके हेल्थ को बढ़ाएं, उनके हेल्थ को ठीक रखें, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो एम्प्लॉयज की, ताकि वो यू नो उनका जो सोशल स्टेटस है मेंटेन रहे, एक कहते हैं कि एक अच्छी लाइफ जी सके, वो उनके बेटरमेंट की का सोचते हैं कौन, एम्प्लॉयर. बी है, वेलफेयर मेजर्स आर इन एडिशन टू रेगुलर वेजेस एंड अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अवेलेबल टू वर्कर्स ड्यू टू लीगल प्रोविजंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग. तीसरा है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बी कह रहे हैं वेलफेयर मेजर्स आर इन एडिशन टू रेगुलर वेजेस एंड अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अवेलेबल टू वर्कर्स ड्यू टू लीगल प्रोविजंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग. सो कलेक्टिव बार्गेनिंग के तहत एंड लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, मतलब जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की ही जानी चाहिए इम्प्लॉयज को, उसके तहत एंड प्लस कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू जब इम्प्लॉयर एंड इम्प्लॉयज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, कोई ग्रीवेंस होता है, तो वहां पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है और वहां पे कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू
मीडिएट करते हैं और कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। तो जो लीगल प्रोविजंस हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू लेबर को गुड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, गुड एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना, हेल्दी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना, ताकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही हो, राइट, और वो एक अच्छी लाइफ जी सके, एक लाइफ जो कहते हैं ना कि एक एक स्टैंडर्ड लाइफ जी सके। सो मेन मोटो होता है जो लेबर वेलफेयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है लेगर गवर्नमेंट का कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू उन मीडिएटर्स का, जो कि मीडिएट करके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द लेबर वेलफेयर। सी देखेंगे, लेबर वेलफेयर मेजर्स आर फ्लेक्सिबल एंड एवर चेंजिंग। जो लेबर वेलफेयर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और चेंजिंग होता है, मतलब ऐसा नहीं कि जो रूल बन गया है किसी भी लेबर के लिए या फिर इंडस्ट्री के लिए वो चलता रहेगा। एज पर द बाय द टाइम थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज, एंड थिंग्स आर चेंजिंग, राइट। न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उसके बेसिस पे चेंजेस होते हैं, तो जरूरी है, चेंजेस भी जरूरी है, उसके बेसिस पे जो आने वाली चीजें हैं, लोगों का भी चेंज होना जरूरी है, राइट। सो वो भी एक कहते हैं कि लेबर वेलफेयर की बात करते हैं, चेंजेस आर रिक्वायर्ड एंड दैट इज दे आर चेंजेस आर नेसेसरी, यू कैन से। न्यू वेलफेयर सी का देखेंगे, हाफ की बात पढ़ेंगे लाइन, पहले स्टार्ट करने दीजिए मुझे, फर्स्ट से स्टार्ट करती हूँ मैं, सी स्टार्टिंग से बात करती हूँ अगेन। लेबर वेलफेयर मेजर्स आर फ्लेक्सिबल एंड एवर चेंजिंग, न्यू वेलफेयर मेजर्स आर एडेड टू द एग्जिस्टिंग वंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। डी देखेंगे, वेलफेयर मेजर्स मे बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द एम्प्लॉयर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और बाय एनी सोशल और चैरिटेबल एजेंसी। सो जो लेबर वेलफेयर मेजर्स हैं किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, किनके द्वारा लाया जाता है, दे आर ब्रॉट अप बाय आइदर एम्प्लॉयर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और बाय सोशल और चैरिटेबल एजेंसीज। ई देखेंगे, द पर्पज ऑफ लेबर वेलफेयर इज टू ब्रिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सनैलिटी ऑफ द वर्कर्स टू मेक हिम अ गुड वर्कर्स एंड अ गुड सिटीजन। सो लेबर वेलफेयर का कहीं ना कहीं जो आउटपुट निकल के आता है कि जो लेबर हैं, जो वर्कर्स हैं, वो अगर उनकी लाइफ कहते हैं कि अच्छी होगी, हेल्दी होगी, तो एक वो अच्छी लाइफ जी पाएंगे और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को भी एक अच्छी लाइफ दे पाएंगे, जिससे कि उनका जो सोशल स्टेटस है, जो एक गुड सिटीजनशिप का एक कहते हैं कि एक इमेज है, वो बरकरार रहेगी और वो उभर करके आएगी। टाइप्स ऑफ वेलफेयर सर्विसेज, क्लासिफिकेशन ऑफ वेलफेयर सर्विसेज, ये हम बात करेंगे, इस टॉपिक को हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी, एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरे जितने भी सेशन आपने देखे, अगर पसंद आता होगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।